ये है आसिफ अजीज, अजीज फाउंडेशन के मालिक और लंदन के सातवें सबसे बड़े अमीर मुसलमान। और ये है लंदन ट्रोकेड्रो। ये बिल्कुल लंदन के बीचों बीच शहर के पोश इलाके में है, जिसे खरीदकर आसिफ अजीज ने 3 मंजिला मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसके लिए इन्होंने पे किए 220 मिलियन पाउंड। इंडियन रुपीज में अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 पाउंड होता है 105 रुपए का, और 220 मिलियन पाउंड को 105 से मल्टीप्लाई करने से बनेंगे पूरे 231 करोड़ इंडियन रुपीज। ये बात तो है सन 2005 की, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है, तो इसके लिए चलते हैं और पीछे। साल 1986, इसी साल ट्रोकेड्रो लंदन बना और 70 सालों तक एक शानदार रेस्टोरेंट के तौर पर जाना गया और आखिरकार 1965 में ये बंद हो गया। फिर 10 साल बंद रहने के बाद इसमें अलग अलग तरह के एग्जीबिशन और एंटरटेनमेंट स्पेसेस बनाए गए और 2011 में आखिरकार ये फिर बंद हुआ और 2020 में इसका कुछ हिस्सा होटल के तौर पर यूज किया जाने लगा और तभी मस्जिद बनाने के लिए भी केस फाइल किया गया था। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट केस इतना लंबा चला कि 3 साल के बाद इसमें मस्जिद बनाने की मंजूरी मिल पाई। इतना लंबा वक्त इसलिए लगा क्योंकि पहले इसमें 1000 लोगों तक की कैपेसिटी जितनी जगह के लिए प्रपोजल फाइल किया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और उसकी मंजूरी ना मिलने की वजह से फिर मई 2023 में 11 मंजिल में से 3 मंजिल को ही मस्जिद बनाने की मंजूरी मिल सकी। इसमें 390 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। पूरी बिल्डिंग मस्जिद ना बन पाने की वजह बहुत बड़ी है। पहली बहस तो इस बात की है, क्या ऐसी जगह को मस्जिद बनाना चाहिए था जिसके चारों तरफ शराब खाने, डांस बार, जुए के अड्डे और LGBT कम्युनिटी के सेंटर और स्ट्रिप क्लब्स हैं। जिसे LGBT कम्युनिटी और स्ट्रिप क्लब के बारे में ना पता हो वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में बताना ठीक नहीं। अब इन सब हराम चीजों के बीच मस्जिद का बनना क्या मसलियत अपने अंदर छिपाए हुए है, ये तो बाद में ही पता चलेगा।